जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा 3 की अंग्रेजी विषय में पाठ संख्या 3 द क्लेवर मिनिस्टर की एक्टिविटी फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। क्लेवर मिनिस्टर एक चतुर मंत्री पाठ के एक्टिविटी फर्स्ट का अध्ययन करेंगे। ए एक्टिविटी फर्स्ट में क्या है? ए राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सही के लिए आपको पीछे टी लगाना है और गलत के पीछे आपको एफ लगाना है। जो वाक्य सही है उसके लिए टी लगाना है और जो वाक्य गलत है उसके लिए एफ लगाना है। ठीक है, तो ए में फर्स्ट क्या है? द किंग वाज थर्स्टी, राजा को प्यास लगी थी। द किंग वाज थर्स्टी, राजा को क्या प्यास लगी थी? राजा प्यासा था। तो सही है वाक्य, इसलिए हम पीछे टी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टी। द किंग वाज थर्स्टी, राजा प्यासा था, तो हाँ, तो हमें पीछे क्या लगाना है? टी। द मिनिस्टर वाज फैमिलियर विद द फॉरेस्ट, दूसरा क्या है? द मिनिस्टर वाज फैमिलियर विद द फॉरेस्ट, मंत्री जो है जंगल से परिचित था क्या? क्या राजा का मंत्री जंगल से परिचित था? नहीं था ना, तो ये गलत वाक्य है, तो ये फॉल्स है, मतलब एफ लगाना है। पीछे क्या लिखना है? एफ। तीसरा क्या है? द मिनिस्टर फेड शुगर टू द डियर, मंत्री ने जो है हिरन को शक्कर खिलाई थी। मंत्री ने जो है हिरन को शक्कर खिलाई थी, नहीं, ये गलत है। मंत्री ने जो हिरन को जो है सॉल्ट नमक खिलाया था, इसलिए ये वाक्य गलत है। हमें क्या लिखना है? एफ। क्या लिखना है इसके पीछे? एफ। द किंग गॉट वाटर, चौथा क्या है? द किंग गॉट वाटर, राजा को पानी मिल गया था। राजा को पानी मिल गया था, हाँ, ये सही वाक्य है, तो यहाँ आएगा टी, राजा को पानी मिल गया था। ठीक है, ऐसे हम लोगों ने एक्टिविटी फर्स्ट को अध्ययन किया। वापस देखो बच्चों, एक्टिविटी फर्स्ट ए राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। सही के लिए आपको टी लिखना है पीछे, ट्रू, टी आर यू ई, ट्रू यानी सही या सच, जो सच वाक्य है उसके लिए टी लिखना है, एंड एफ फॉर फॉल्स, और फॉल्स यानी गलत, जो झूठा वाक्य है उसके लिए आपको क्या लगाना है पीछे? एफ। ठीक है, तो क्या है पहला प्रश्न? द किंग वाज थर्स्टी, राजा जो है प्यासा था। द किंग वाज थर्स्टी, राजा जो है प्यासा था, सही वाक्य है, ये वाक्य सही है, हाँ, राजा प्यासा था, इसलिए हमने पीछे क्या लिख दिया इसके? टी। टी यानी सही वाक्य है। ठीक है, टी यानी सही वाक्य। ठीक है, दूसरा क्या है? द मिनिस्टर वाज फैमिलियर विद द फॉरेस्ट, राजा का मंत्री जो है क्या जंगल से परिचित था? ये बोल रहा है राजा का मंत्री जो है जंगल से परिचित था, नहीं, राजा का मंत्री जंगल से परिचित नहीं था, हमने पाठ में अध्ययन किया था ना, हाँ, तो ये वाक्य गलत है, इसलिए हमने पीछे क्या लिख दिया? एफ। ये वाक्य फॉल्स है, इसलिए हमने पीछे क्या लिख दिया? एफ। ठीक है, द मिनिस्टर फेड शुगर टू द डियर, तीसरा क्या है बच्चों? द मिनिस्टर फेड शुगर टू द डियर, मंत्री ने जो है हिरण को शक्कर खिलाई थी। मंत्री ने जो है हिरण को शक्कर खिलाई थी, नहीं, ये वाक्य गलत है, मंत्री ने हिरण को
नमक खिलाया था, क्या खिलाया था, सॉल्ट खिलाया था, ठीक है। तो ये वाक्य भी गलत है, इसके लिए पीछे हमने क्या लिख दिया, एफ, क्या लिख दिया, एफ। चौथा क्या, द किंग गॉट वाटर, द किंग गॉट वाटर, क्या राजा को पानी मिल गया था, तो ये वाक्य सही है टी, हाँ राजा को पानी मिल गया था, द किंग गॉट वाटर, राजा ने पानी पी लिया था, हाँ तो वाक्य सही है। जय श्री कृष्ण।